बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। फिक्सेट इस वक्त थरपारकर में मौजूद है। ये जगह सिला बील का छोटा सा गांव है, जहां एक शख्स कंगार ने हमसे राब्ता किया और कहा कि वो यहां बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई 105 के करीब बच्चे हैं जिनको वो खुद अपनी मदद आप एक झोपड़ा नुमा हट में वो पढ़ा रहे हैं। हम यहाँ आए इनकी मदद के लिए, हम कुछ साजो सामान लेकर आए पढ़ाई और स्कूल से रिलेटेड, लेकिन हमें मालूम ये चला यहाँ पहुंचकर कि यहाँ किताब से पहले इनके पाँव में जूता देना है हमने। यहाँ खेलने कूदने के सामान से पहले इनको पहनने के लिए कपड़े देने हैं। यहाँ यहाँ बहुत बुरा हाल है। ये सारी हिंदू कम्युनिटी है जो सिंध में सबसे बुरा हाल मैं कहूंगा थरपारकर का है। ये बच्चे आप देख सकते हैं, दुनिया चांद पे पहुंच गई है और ये आज भी इस स्लेट में ये पढ़ रहे हैं, इस पर लिख रहे हैं, इस पर पढ़ रहे हैं। ये मुस्तकबिल है हमारा, ये मुस्तकबिल रह गया है सिंध का, क्योंकि 6000 स्कूल पिछले 5 साल में बंद हो गए। ये हमें बकवास करते हैं कि 100 अरब से ऊपर ये बजट ले गए। इस साल एजुकेशन बजट तारीख में सबसे ज्यादा था, पिछले 5 साल में 600 अरब रुपया खर्च हुआ तालीम के ऊपर। तो मैं पूछता हूँ कहाँ गया? 6000 स्कूल बंद हो गए, 6500 वो स्कूल है जिनकी इमारतें डिक्लेयर कर दी कि किसी भी वक्त गिर सकती है, 18000 वो स्कूल है जहाँ पीने का पानी नहीं, 20000 से ज्यादा वो स्कूल है जहाँ बिजली नहीं, गैस नहीं, बाउंड्री वॉल नहीं, वॉशरूम नहीं। 60 लाख बच्चा इस सूबे सिंध में तालीम से महरूम है, स्कूल से बाहर है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो ये वजीर बैठे हैं, जो चीफ मिनिस्टर बैठा है यहाँ। ये इन सब के लिए जो है चीख चीख के इनकी नाअहली चिल्ला रही है इस स्कूल से, इन बच्चों से। मैं इन ओहदेदारों से तो कोई उम्मीद नहीं रखता, इनसे जितना गुस्सा किया जाए, जितना एहतजाज किया जाए कम है। और फिर ये कहते हैं कि हमारी शक्लें गटर के साथ क्यों बन रही है, फिर ये कहते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर कचरा क्यों फेंका जा रहा है। ये हाल देंगे आप, ये परफॉर्मेंस कारकर्दगी होगी तो क्या एक्सपेक्ट करते कि कोई आपकी कदर करेगा, इज्जत करेगा? कोई इज्जत नहीं होगी ऐसे लोगों की। मैं आखिर में बिलावल भुट्टो जो पीपल्स पार्टी के कर्ता धरता है और इस सूबे सिंध के वो लीडर है, उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा आपने थरपारकर को एक सेनेटर की शक्ल में, एक गरीब खातून को आपने सेनेटर बनाया, एक तोहफा दिया थरपारकर को, तो ये भी थरपारकर है। खुदारा इस इशू को टेकअप करें, सीरियसली लें इस चीज को। काफी नौजवान ऐसे हैं जिनकी उम्मीदें वाबस्त हैं सिंध के नौजवानों की। यहाँ अगर आपकी नजर सानी होगी, शायद इन बच्चों का मुस्तकबिल ये नहीं होगा जो इस वक्त है, शायद ये मुस्तकबिल कुछ और होगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये स्कूल है जो कि आपको गाय बकरी या घोड़ों का अस्तबल नजर आ रहा होगा, ये ताला लगा है सामने। ये उन 6000 स्कूलों में से एक और स्कूल है जो बंद है, और मैं कहूं 60000 टीचर इस सूबे सिंध में गोश्त मुलाजमीन है, यानी वो तनख्वाह तो ले रहे हैं लेकिन स्कूल में हाजिरी नहीं लगाते। ये स्कूल जब बना तब से आज तक यहाँ कोई टीचर नहीं आया, कोई उस्ताद नहीं आया पढ़ाने के लिए। आप अंदर का मंजर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कभी ये स्कूल है ही नहीं, ये सिर्फ बिल्डिंग बना दी गई है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम भील खंगार है और मैं सिल भील डिस्ट्रिक्ट थरपारकर में रहने वाला हूँ। हमारे गांव में यहाँ नेटवर्क नहीं है, सर्विस नहीं है, तो मैं पहाड़ पे गया और सोशल मीडिया पे मैंने फेक्स्ट का काम देखा और फिर मैंने अपने गांव की हेल्प के लिए मैंने उन लोगों को रिक्वेस्ट की और आज यहाँ सर फेक्स्ट का बानी सर आलमगीर साहब वो भी यहाँ पे हमारे गांव में मौजूद है और हमारे बच्चों के लिए कुछ खिलौने वगैरह और हमारे गाँव में स्कूल देने के लिए हमारे उन लोगों ने हेल्प की है। और
हमारे गांव का ये देख रहे हो पानी का वसाइल है, जहाँ 10 साल से ये बंद पड़ा है, कोई पानी का वसाइल नहीं है। हम अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर पीने के लिए पानी लेके आते हैं और हमारा गांव बहुत मुश्किल हाल में है। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं फैक्ट की पूरी टीम का, जिन्होंने हमारे इस रेत के गांव में आकर और हमारे गरीब बच्चों की और हमारे गरीब लोगों की हेल्प की। थैंक यू फैक्ट।